Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग वेलकम टू एम अचीव बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल माय नेम इज अंकित गुप्ता सुबह के आठ यहां पर बज चुके हैं और आप सेशन के साथ यहां पर कनेक्ट कर चुके हैं अंशिका रश्मि दीनदयाल ब्रजेश पांडे जी गुड मॉर्निंग लालू रंजन झा जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आप सभी को जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हैं अनुरूप राठौर अंशिका गुड मॉर्निंग सभी को शुभ प्रभात कमलेश जी रशिका गुड मॉर्निंग डियर गुड मॉर्निंग सभी को शुभ प्रभात गुड मॉर्निंग पायल गुड मॉर्निंग सभी लोग फटाफट से, से सेशन के साथ कनेक्ट कर लें फिर हम लोग यहां पर सेशन को शुरू करेंगे स्टार्ट करेंगे जितने भी स्टूडेंट्स रेगुलर बेसिस पर इस सेशन का हिस्सा बनते हैं फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे और एक बार अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से यहां पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सेशन की लिंक को जहां कहीं भी आप लोग शेयर कर सकते हैं एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिएगा सेशन शुरू हो चुका है बस एक बार फटाफट से सेशन की लिंक को जरूर यहां पर शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट इस सेशन का हिस्सा बन सके मधु रेपर्णा गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग आज की तारीख ट्वेंटी सेवेंथ ऑफ दिसंबर और नया वर्ष यानी कि न्यू ईयर आपका यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है तो दिसंबर महीने के कुछ दिन ही यहाँ पर बचे हैं करंट अफेयर्स 2022 के तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं सेशन की और सबसे पहले जैसा कि आप सभी यहाँ पर जानते हैं हम लोग डेली बेसिस पर सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे के साथ तो आज का मोटिवेशन कोट आप सभी के सामने है और बड़ा ही शानदार है लिखा हुआ है चैलेंजेस आर वॉट मेक लाइफ इंटरेस्टिंग ओवरकमिंग दैन इज वॉट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि हमारे जीवन में हमारी लाइफ में जो चुनौतियाँ आती हैं चैलेंजेस आते हैं वो बेसिकली लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाते हैं अगर जीवन में कोई चुनौती नहीं है जीवन में कुछ भी संघर्षपूर्ण नहीं है तो जीवन एक फ्लैट सरफेस पर चलने के बराबर होगा जैसा कि हम चलते रहते हैं चलते रहते हैं और कोई आ, आ, चढ़ाई या फिर यूँ कहें कोई पहाड़ हमारे सामने नहीं आएगा तो हम एक फ्लैट सरफेस पर चढ़ते जाएंगे तो जिंदगी एक एक लाइफ एक बोरिंग चीज बन के रह जाएगी चुनौतियां आती हैं और चुनौतियों से हम लड़ते हैं अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करते हैं अपने कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन करते हैं हम कुछ नया सीखते हैं हम नया अनुभव प्राप्त करते हैं जीवन में यहीं से इंटरेस्ट या यू कहें कि आ, जीवन रुचिपूर्ण यहीं से होता है गुड मॉर्निंग शेखर गुड मॉर्निंग ठीक है और जब हम उन चुनौतियों को पार पा लेते हैं तो बेसिकली लाइफ हमारी अर्थपूर्ण बन जाती है मीनिंगफुल बन जाती है जीवन में जो जीवन के जो सही मायने हैं वो हमें तभी समझ में आते हैं जब हम चुनौतियों से लड़ते हैं उनका सामना करते हैं और अंततः उन चुनौतियों को हरा देते हैं और हम आगे बढ़ जाते हैं तो हमें लगता है कि हाँ जीवन में कुछ करने को है जीवन कुछ बेहतर है जीवन का सही अर्थ यही है अपने सपनों का पीछा करते हुए जीवन में चुनौतियाँ आएंगी ही और हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा उम्मीद है कि आप सभी तक मेरी बातें पहुंच गई होंगी एक बार यस लिखकर सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तो जीवन में जब चुनौतियां आए तो उन्हें चुनौतियों की तरह लें और उन चुनौतियों से पार पाने का पूरा प्रयास करें एक फ्लैट सर्फेस पे चलना नहीं है जीवन में हर तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं उनका सामना कीजिए चलिए आगे बढ़ते हैं सेशन में और सबसे पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि सेशन में क्या-क्या हम लोग पर आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले तो लास्ट सेशन का जो होमवर्क है वो आप सभी के साथ यहाँ पर डिस्कस होगा Then फिर हम लोग यहां पर देखेंगे आज की टॉप हेडलाइंस क्या है देन उसके बाद हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे टोटल फिफ्टीन एमसीक्यूज का डिस्कशन यहां पर आप सभी के साथ होगा ठीक है करंट अफेयर्स न्यूज उसके बाद डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैटिक फैक्ट साथ ही साथ और होमवर्क उस सेशन के लास्ट में तो सबसे पहले लास्ट सेशन में मैंने आप सभी को जो होमवर्क यहाँ पर दिया था फटाफट से उसका डिस्कशन यहाँ पर कर लेते हैं क्वेश्चन बड़े ही शानदार है सिंपल सा क्वेश्चन है ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है क्योंकि भारत के जो फेमस फेमस स्टेडियम्स है मिसेस चौहान गुड मॉर्निंग डियर गुड मॉर्निंग तो ग्रीन पार्क स्टेडियम ग्रीन पार्क स्टेडियम किस भारतीय राज्य में लोकेटेड है तो सिंपल सा आंसर इसका बनता है राज्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश शहर की बात होगी तो कानपुर सिटी करेक्ट है सेकंड क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन सियाचिन ग्लेशियर में ही सियाचिन का जो लोकेशन है वैसे भी वो रणनीतिक तौर पर स्ट्रेटिकली अगर हम बात यहाँ पर करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि पीओके और चाइना के आसपास वो रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है तो देश में अगर हम बात करें आ, आ, सुरक्षा की दृष्टि से तो ये आपका जो सियाचिन ग्लेशियर है बड़ा इंपॉर्टेंट है लद्दाख में आपका यह मौजूद है और सियाचिन पर भी लड़ाई हो चुकी है ठीक है इंडिया पाकिस्तान और सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा यानी कि सर्वाधिक एलिवेशन पर स्थित युद्ध क्षेत्र भी आपका यहां पर बनता है यह भी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर थ्री यह भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ही है कि शिरोई लिली फेस्टिवल जो आपका यहां पर बनता है शिरोई लिली फेस्टिवल यह भारत के किस हिस्से में मनाया जाता है किस स्टेट में मनाया जाता है फटाफट से क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर भी यहां पर कर दीजिएगा शिखा मिश्रा जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ओके मणिपुर मणिपुर सोनम का आंसर आ गया है सिखा का आंसर भी यहां पर आ गया वेरी गुड एवरीवन तो होमवर्क भैया यहां पर पूरा होता है चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज की लेकिन एमसीक्यूज में आगे बढ़ने से पहले देखेंगे आज की टॉप हेडलाइंस जो कि लेकर आ रही है हमारी सहयोगी एम तो पहले नजर डालिए आज की टॉप हेडलाइंस पर दुनिया की बेस्ट क्वीन की ग्लोबल लिस्ट हुई रिलीज इंडिया है पांचवें स्थान पर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया स्टार का नाम इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में हुआ दर्ज पुष्प कमल दहल प्रचंड बने तीसरी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ने दी नियुक्ति हुंडई बनी दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेकर टोयोटा है पहले नंबर पर भारत और जापान पहली बार करेंगे ज्वाइंट कॉम्बैक्ट एयर एक्सरसाइज 16 जनवरी से होगी वीर गार्जियन नाम की इस एक्सरसाइज की शुरुआत तो आज की टॉप हेडलाइंस और अदर हेडलाइंस यानी कि करीब आठ से नौ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस है जिन पर हम डिस्कशन करेंगे लेकिन उससे पहले डिस्कशन होगा एमसीक्यू सेशन का अच्छा एमसीक्यूज डिस्कशन के दौरान आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं आउट ऑफ फिफ्टीन ये नोट डाउन करते हुए चलिएगा एमसीक्यूज डिस्कशन के बाद आपको अपना स्कोर कार्ड यहां पर कमेंट सेक्शन में पब्लिश करना है क्वेश्चन नंबर वन आंसर दीजिएगा फटाफट रिसेंटली विच बॉलीवुड एक्ट्रेस हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया हाल ही में अभिनेत्री को किस एक्ट्रेस को प्यूमा इंडिया की ब्रांड आपका पर घोषित किया गया है? सिंपल सा क्वेश्चन चोपड़ा दीपिका सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका बनेगा कल ही हम लोगों ने सेशन के साथ यहां पर डिस्कस किया था ऑप्शन नंबर ए अनुष्का शर्मा पर अनुष्का शर्मा बनेगा वेरी गुड ऑप्शन नंबर नंबर सेकेंड रिसेंटली द कंट्रीज़ फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम was inaugurated. इट was inaugurated इन in which स्टेट और यूनियन territory? हाल ही में भारत का पहला ठीक है देश का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय म्यूजियम इसका उद्घाटन आपका यहाँ पर किया गया है इसका उद्घाटन किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में आपका यहाँ पर किया गया है हिंड के तौर पर मैं आपको वो लोकेशन बता सकता हूँ उस लोकेशन का नाम है मोहो ठीक है यहीं पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था मोहो और नाम की जो लोकेशन बनती है वो मध्य प्रदेश में आपकी यहां पर लोकेटेड है। शानदार तरीके से कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि कि बहुत आ, तेजी से कमेंट्स पर आए। अच्छा लगा बात करूं सिंपल तो सा एक यहां पर होगा कि प्रदेश की किस नेशनल पार्क में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन प्रदेश के किस नेशनल पार्क में हाल ही में हिंदुस्तान में चीतों को चीता इसे दोबारा से रीइंट्रोड्यूस किया गया है नामीबिया जहां पर दुनिया की सर्वाधिक आबादी है चीतों की वहां से और साउथ अफ्रीका से चीतों को लाकर कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश यहां पर क्या किया गया है चीतों को फिर से री इंट्रोड्यूस पर किया गया है मध्य प्रदेश की बात करें शिवराज सिंह चौहान यहां के चीफ मिनिस्टर हैं तो मुझे लिखकर यह बताएगा कि गवर्नर का नाम क्या है मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू द एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान के बाद दूसरी लोकेशन आती है आपकी मध्य प्रदेश स्टेट की विवेक वाघेला साहब ने जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं मध्य प्रदेश की उनकी पूरी लिस्ट कमेंट सेक्शन में यहां पर रख दी है वेरी गुड मंगू भाई छगन भाई पटेल मंगू भाई छगन भाई पटेल ये वर्तमान में गवर्नर बनते हैं मध्य प्रदेश स्टेट के मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया वेरी गुड रश्मि रंजन जी इसके अलावा सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है वाई बिकॉज यहाँ पर सोयाबीन का भी काफी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है दैट्स वाई इंपॉर्टेंट बनेगा मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया इसीलिए क्योंकि ये भारत के लगभग मध्य में यानी कि सेंटर में मौजूद है यहाँ की प्रसिद्ध पहाड़ी की बात करूँ तो यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा रिवर जो कि मध्य प्रदेश की लाइफ एंड गुजरात की लाइफ भी कही जाती है ये भी इंपॉर्टेंट है और भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेच्यू स्टेच ऑफ यूनिटी आपका इसी नदी के किनारे लोकेटेड है वैदिक घड़ी अभी रिसेंटली अगर हम लोग यहां पर बात करें तो वैदिक घड़ी यहां पर इनोग्रेट की गई है ठीक है उज्जैन सिटी में उज्जैन जहाँ पर आपका कुंभ मेला भी आपका यहाँ पर आयोजित होता है ठीक है सीएनजी बायोगैस प्लांट हाँ जबलपुर वेरी गुड जबलपुर के पास भेड़ा घाट यहाँ पर एक प्रसिद्ध वाटरफॉल है झरना है जिसका नाम है धुआंधार वाटरफॉल ठीक है हाँ, आपके द्वार योजना भी यहीं पर शुरू की गई थी बिल्कुल सही है वेरी गुड एवरीवन काफी सारी चीजें हमने मध्य प्रदेश के बारे में यहां पर डिस्कस कर ली हैं मध्य प्रदेश के अगर हम फेमस नेशनल पार्क्स की बात करें तो कान्हा माधव पन्ना पैंच सतपुड़ा विहार फौसिल बांधवगढ़ और कुनो क्लियर है मेरी बात कान्हा नेशनल पार्क कान्हा माधव पन्ना पैंच सतपुड़ा वन विहार फौसिल बांधवगढ़ कुनो ये सभी नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे तो इसको लर्न रखना है ठीक है भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे और इसीलिए टाइगर्स की ज्यादा पॉपुलेशन की वजह से भारत का टाइगर स्टेट भी यहां पर कहा जाता है तो यह भी याद रखेगा सही जवाब यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मध्य प्रदेश द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ऑथर एम राजेंद्रन हैज़ रिसेंटली बीन अवार्डेड दी साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर 2022 थाउजेंड एंड ट्वेंटी फॉर लैंग्वेज आपको बताना है कि किस भाषा के लिए उन्हें 2022 के साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित यहाँ पर किया गया है फटाफट से आंसर दीजिएगा तमिल लैंग्वेज तेलुगु संस्कृत बोडो और मैथिली फटाफट से आंसर दीजिएगा एम राजेंद्रन साहब को किस भाषा के लिए इस साल के साहित्य अकेडमी अवार्ड के लिए चुना गया है इस साल अलग अलग भाषाओं में टोटल तेईस यानी कि ट्वेंटी थ्री राइटर्स ऑथर्स को यहाँ पर साहित्य अकेडमी अवार्ड्स के लिए चुना गया है जिसमें से एम राजेंद्रन साहब की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उन्हें जो यहाँ पर चुना गया है क्वेश्चन नंबर थ्री तमिल लैंग्वेज के लिए आपका सुना गया है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हेयर नेक्स्ट अच्छा लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन और बन सकता है जो मैं पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे यहां पर पूछ सकता हूं कि साहित्य अकेडमी अवार्ड की शुरुआत किस वर्ष आपकी यहां पर की गई थी वो ईयर यहां पर क्या बनता है जब साहित्य अकेडमी अवार्ड की शुरुआत यहां पर हुई थी स्टैटिक पॉइंट है क्योंकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट अवार्ड चर्चा में होता है खबरों में होता है तो फिर उसकी शुरुआत भी पूछी जाती है कि स्टार्टिंग कब हुई थी ईयर क्या था यह स्टेटिक में भी पूछा जा सकता है कभी भी 1954 मैक्सिमम लोगों ने आंसर यहां पर दिया है कि 1954, 1954, अच्छा क्या 1954 में ही भारत रत्न ठीक है पद्म विभूषण पद्म भूषण और पद्म श्री भारत के जो पद्म अवार्ड्स हैं भारत के चार सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्मश्री दूसरा और तीसरा क्या इनकी शुरुआत भी 1954 में हुई थी या नहीं मुझे बताएगा स्थापना की बात करेंगे तो साहित्य अकेडमी अवार्ड की शुरुआत नाइनटीन में हुई स्थापना हुई फिफ्टी में और दिया गया पहली बार 1955 फिफ्टी फाइव में रिपर्णा ने यहां पर जो आंसर दिया है वो यहां पर बिल्कुल सही है क्लियर है याद है चलो वेरी गुड तो सही जवाब यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए अच्छा संस्कृत लैंग्वेज से मुझे अभी हाल ही में यह याद आया कि अभी साइंस सब्जेक्ट uh, पर बनी और वो साइंस सब्जेक्ट था मंगलयान मिशन उस पर बनी भारत की पहली साइंटिफिक और संस्कृत लैंग्वेज फिल्म का नाम फटाफट से कमेंट सेक्शन में साइंस सेगमेंट uh, या साइंस सब्जेक्ट मंगलयान मिशन पर आधारित भारत की पहली फिल्म जो संस्कृत लैंग्वेज में आपकी बनाई गई फिल्म का नाम यहां पर बनता है यानम क्या बनेगा यानम यह फिल्म हम लोगों ने अभी कुछ ही दिनों पहले आपकी यहां पर डिस्कस की थी तो इसे भी रिवाइज यहां पर कर लीजिएगा आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर हुट ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर टू थाउजेंड फॉर दी मैथिली लैंग्वेज अब तेईस अलग अलग भाषाओं में राइटर्स को यहां पर पुरस्कार आपके दिए गए हैं तो आपको यहां पर यह बताना है कि मैथिली लैंग्वेज में यहां पर यह पुरस्कार कैसे दिया गया है मैथिली लैंग्वेज में यह पुरस्कार मैथिली भाषा में यह पुरस्कार कैसे दिया गया है पांच ऑप्शन आपके सामने हैं सही जवाब करेक्ट आंसर क्या बनेगा क्वेश्चन नंबर फोर सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए अजीत आजाद अगर हम बात करेंगे मैथिली लैंग्वेज की हिंदी लैंग्वेज की बात करेंगे तो बद्री नारायण आंसर होगा लेकिन मैथिली में तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि अजीत आजाद इज द राइट वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव विच ब्रॉडकास्टर बेक्ट

सिक्स इन विच इंडियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज द इंडियन रेलवे रिसेंटली ओपन द कंट्रीज लॉन्गेस्ट स्केप टनल दुर्घटना के वक्त एमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को बाहर निकालने के लिए ये एस्केप टनल आपके यहाँ पर बनाई गई है इस एस्केप टनल को जम्मू कश्मीर हिमाचल लद्दाख उत्तराखंड और गोवा कहाँ पर आपका यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है पांच ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सिक्स आंसर यहाँ पर क्या बनेगा सही जवाब इन जम्मू एंड कश्मीर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है करेक्ट है क्वेश्चन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब बनेगा वेरी गुड जम्मू एंड कश्मीर इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन रिसेंटली फ्लिपकार्ट एंड फोन पे हैव कंप्लीटेड दियर सेपरेशन इन दोनों का जो सेपरेशन है वो आपका यहां पर पूरा हो चुका है दे विल नाउ ऑपरेट सेपरेटली अंडर विच रिटेल जॉइंट यानी कि ये सेपरेटली यहाँ पर ऑपरेट होंगे किस कंपनी के द्वारा किस रिटेल जॉइंट के द्वारा वॉलमार्ट होम डिपोर्ट Amazon, Kroger और uh, Target? पांच ऑप्शन है सिंपल क्वेश्चन टफ नहीं है वैसे आप लोगों ने प्रोडिक्ट कर लिया होगा कि ये इसका सही जवाब यहाँ पर बनेगा वॉलमार्ट सेपरेशन हो चुका है फ्लिपकार्ट से फोन पे का वॉलमार्ट अभी भी दोनों ही कंपनियों में मेजर जो शेयर होल्डिंग है वो वॉलमार्ट की है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट हैज बिकम द एथ इंडियन टू स्कोर सेवन थाउजेंड रन इन टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली हाल ही में किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट फॉर्मेट में सात हजार रन बनाने वाले वो आठवें खिलाड़ी यहां पर बने हैं

फोब्स की सूची 2022 के अनुसार हाल ही में दुनिया में सर्वाधिक कमाई की बात अगर हम यहां पर करें फीमेल एथलीट जिन्होंने अपनी यानी कि 2022 में सबसे ज़्यादा अर्निंग्स उनकी हुई हैं सबसे ज़्यादा वो पेड यहां पर एथलीट हैं फीमेल कैटेगरी में नाओमी ओसाका सेरेना विलियम्स या फिर एमा राधुकानू या फिर वीनस विलियम्स फटाफट से यहाँ पर आंसर दीजिएगा इसी पर्टिकुलर लिस्ट में भारत की जानी मानी शटलर फीमेल बैडमिंटन प्लेयर आपकी पीवी सिंधु किस पोजीशन पर है तो पीवी सिंधु बारहवीं पोजीशन पर बनती है ट्वेल्थ पोजीशन पर नंबर वन पोजीशन पर है जापान की नाओमी ओसाका किस कंट्री से बिलोंग करती हैं जापान से ओके okay. तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन विच इंडियन फीमेल स्पोर्ट्स पर्सन सिक्योर रैंक ओहो दट इन द टॉप ट्वेंटी फाइव हाईली पेड फीमेल एथलीट्स लिस्ट रिलीज बाई दमेरिकन बिजनेस मैगजीन आइए मैंने आपसे लास्ट सेशन या लास्ट क्वेश्चन में ही यहाँ पर डिस्कस कर लिया है तो सबको इसका आंसर पता चली गया होगा कि ट्वेल्थ पोजीशन पर हाइएस्ट पेड एथलीट्स की लिस्ट में कौन सी यहाँ पर खिलाड़ी शामिल है तो सही जवाब आपका यहाँ पर बनेगा पी वी सिंधु ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है ओके okay, चल क्वेश्चन नंबर एलेवन

ओके okay, यानी कि बद्री नारायण जी वाला ठीक है हाल ही में जो आईपीएल ऑक्शन आपका ऑप्शन यहाँ पर कंडक्ट हुआ है जहाँ पर टीमें खिलाड़ियों को खरीदती हैं अपनी टीमों में शामिल करने का प्रयास करती हैं यहाँ पर अभी तक आईपीएल की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी जो आपके यहाँ पर बिके हैं वो कौन से खिलाड़ी आपके यहाँ पर बनते हैं करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर बी सैम करन सैम करन किस कंट्री से बिलोंग करने वाले क्रिकेटर हैं तो कंट्री का नाम भी फटाफट से मुझे यहाँ पर लिखकर बताइएगा सैम करन किस कंट्री से बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से और हाल ही में सैम करन को 18.5 करोड़ में यहां पर किस टीम ने खरीदा है सबसे महंगे खिलाड़ी किस टीम ने इस खिलाड़ी को खरीद लिया है फटाफट से टीम का नाम भी कमेंट सेक्शन में बताएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है Karan, यहां पर बिल्कुल करेक्ट है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टीन विच कंट्री हैज पास न्यू ट्रांसजेंडर लॉ अलाउंग एनी वन अब द एज ऑफ सिक्सटीन टू चेंज देअर जेंडर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किस देश ने एक नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है इस कानून के हिसाब से 16 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति को लिंग परिवर्तन की अनुमति इस कानून के तहत मिल जाती है 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर लिंग परिवर्तन यानी कि अपना जेंडर यहाँ पर चेंज करा सकता है कंट्री का नाम यहाँ पर क्या बनेगा पाँच ऑप्शन सभी लोग फटाफट से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर थर्टीन स्पेन इज द राइट आंसर हाल ही में स्पेन ने यह घोषणा यहाँ पर की है तो जितने भी लोगों ने यहां पर स्पेन ऑप्शन नंबर ए आंसर किया है वो यहाँ पर करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोग्राम डांस टू डी कार्बोनाइज बीन ऑर्गेनाइज रिसेंटली हाल ही में किस शहर में अपनी तरह का यूनिक अद्वितीय संगीत कार्यक्रम डांस टू डी कार्बनाइज यानी कि बेसिकली यहाँ पर एक इवेंट होस्ट किया जा रहा है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग डांस करेंगे फ्लोर पर ग्रुप में डांस करेंगे काफ़ी बड़ी संख्या में और उनके डांस करने से यहाँ पर बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा उनके डांस करने की वजह से फ्लोर पर जो भी आ, एनर्जी क्रिएट होगी उसका इस्तेमाल एनर्जी uh, यानी कि बिजली बनाने में और एनर्जी प्रोड्यूस करने में किया जाएगा अपनी तरह का एक यूनिक मतलब कि आप जो एक्शन ले रहे हैं डांस कर रहे हैं उससे जो भी uh, मानवीय ऊर्जा uh, खर्च हो रही है उसका इस्तेमाल एनर्जी क्रिएट करने में किया जाएगा यस 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 फ्लोर को यूज़ किया जाएगा और उस फ्लोर पे जो भी डांस होगा या जिस तरीके की चीज़ें होंगी उससे कहीं ना कहीं जो भी एनर्जी क्रिएट होगी उसका इस्तेमाल किया जाएगा ये इस पर हम लोग आगे डिस्कशन डिटेल में करेंगे इन

Uh, कि इंसानी एक्टिविटीज से इंसानी एक्शन से uh, जो भी हम एक्शंस लेते हैं एक्टिविटीज करते हैं उनका अगर उस तरीके से यूटिलाइजेशन किया जाए uh, तो बहुत सारी चीज़ों को प्रोड्यूस किया जा सकता है बात समझ में आ रही है ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पर आते हैं इन विच स्टेट विल द एथ एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल बी हेल्ड बलून फेस्टिवल बलून यानी कि गुब्बारे तो बलून फेस्टिवल को अंतरराष्ट्रीय बलून फेस्टिवल का आठवां संस्करण किस राज्य राज में आयोजित यहां पर किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बलून लोग बच्चे किड्स इस बलून फेस्टिवल में पार्टिसिपेट लेंगे जैसे यहाँ पर बलून फेस्टिवल होता है इसी तरह से के अब गुजरात के अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल भी होता है जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन की डिफरेंट डिफरेंट तरीके की काइट्स को वहाँ पर लोग डिस्प्ले uh, uh, करते हैं उड़ाते हैं इन्जॉय करते हैं समझ में आ रही मेरी बात तो वो तो होता है काइट फेस्टिवल जब बात की जाएगी तो गुजरात अहमदाबाद आंसर बनेगा और इंटरनेशनल काइट म्यूजियम भारत का इकलौता इंटरनेशनल काइट म्यूजियम भी आपका अहमदाबाद गुजरात में ही आपका लोकेटेड है यहां पर मुझे बताएगा बलून फेस्टिवल की बात यहां पर की जाए इसका सही जवाब क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि तमिलनाडु ठीक है तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है तो टोटल 15 एमसीक्यूज का डिस्कशन यहां पर पूरा हो चुका है तो फटाफट से आउट ऑफ 15 आपने कितने क्वेश्चंस यहां पर करेक्ट किए हैं फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए कि हां सर हमने 15 में से इतने क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं और हां फटाफट से सेशन से को लाइक करो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं डू लाइक द सेशन एवरी वन आउट ऑफ फिफ्टीन वेरी गुड रंजन झा जी ओके ग्यारह क्वेश्चन मधु ने करेक्ट किए हैं नमिता ने चौदह रिपर्णा ने चौदह शिखा मिश्रा ने चौदह अनुरूप ने तेरह श्रेया चौदह बारह लालू बारह विवेक जी बारह अनुराग ओनली छः रंजन झा तेरह श्रेया बारह प्राची इलेवन, डॉली थर्टीन नश्मिता ओके इलेवन, ओके शेखर फिफ्टीन में से ओनली फोर कमलेश ट्वेल्व खुशबू एलेवन ओके चौहान जी थर्टीन वेरी गुड अच्छा है ऐसा नहीं है कि खराब प्रदर्शन है अच्छा प्रदर्शन है और इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है ठीक है डेली बेसिस पर जो क्लासेस आपके यहां पर लाइव चलती हैं टारगेट करते हुए एस बी आई पी और क्लर्क एग्जामिनेशन uh, को तो यहाँ पर आपको सुबह सात बजे द हिंदू एडिटोरियल लाइव uh, ज्वाइन करना है यशी मैम के साथ और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए सुबह दस बजे मंडे टू फ्राइडे फ्राइडेशी मैम के साथ आप कनेक्ट करोगे ठीक है डेली करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर सुबह आठ बजे आपका यहाँ पर कंडक्ट हो रहा है सैटरडे को आपका यहाँ पर होता है वीकली करंट अफेयर्स टाइमिंग सेम ही रहती है एट ए एम वीकली करंट अफेयर्स हम लोग टॉप फिफ्टी एम से का करते हैं डिटेल मतलब यहां पर रिवीज

इंडिया रैंक फिफ्थ भारत की रैंक पांचवी रही है इन द वर्ल्ड बेस्ट क्वींस लिस्ट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू क्वजींस यानी कि अगर हम व्यंजनों की बात करें डिस की बात करें व्यंजनों की बात करें तो भारतीय व्यंजन भारतीय क्वजींस दुनिया में पांचवी पोजीशन पर है खाने के नाम से भूख लगाई है शेखर सिंह जी को कह रहे हैं खाना ठीक है आपके सामने जो वीडियो प्रदर्शित हो रहा है इस वीडियो पर आप साफ देख सकते हैं कि बेस्ट रेटेड फूड्स की बात करें तो यहाँ पर मुंबई का श्री ठाकर भोजनालय ये नंबर वन पोजीशन पर आता है अगर भारत में बेस्ट फूड की बात करें बेंगलुरु का करावल्ली ये सेकंड पोजीशन पर आता है बेस्ट फूड और बेस्ट कुजींस की यहाँ पर बात की जाए तो ऐसी भी रैंकिंग होती है डॉली भटनागर जी सुबह सात बजे से ग्यारह बजे तक यस अगर आपको सारे सेशंस लगाने हैं तो सुबह सात बजे एडिटोरियल से लेकर ग्यारह से बारह की रीजनिंग क्लास ये सारे सेशंस आपके यहां पर बनेंगे आप ध्यान से सुनिएगा आपके लिए आपके फायदे की बात है आपके स्वाद की बात है ध्यान से सुनिएगा इंडिया रैंक्ड इंडिया रैंक्ड फिफ्थ भारत की रैंकिंग पांचवी रही है ऑन द ग्लोबल लिस्ट ऑफ बेस्ट रैंकिंग्लोबल इन द वर्ल्ड में आप से कितने लोगों को इटालियन फूड पसंद है जरा मुझे yes no लेकर बताना तो इटालियन फूड सबसे ज्यादा पसंद किया गया फूड है इटालियन क्वजींस uh, और यह नंबर वन रैंक पर है इंडिया पांचवें पर है तो इटली नंबर वन पर है ग्रीस और स्पेन दूसरे और तीसरी पोजीशन पर आपके यहां पर मौजूद है तो आप इस तरह से इसको याद रखिएगा नंबर वन पोजीशन पर इटली नंबर सेकंड पोजीशन पर ग्रीस और नंबर थर्ड पोजीशन पर है स्पेन ये हो गए टॉप थ्री भारत की रैंक यहां पर बनती है फिफ्थ तो ये इंडिया की रैंकिंग यहां पर बनेगी टॉप थ्री और इंडिया की रैंकिंग कुछ यहां पर बात की जाए क्लियर है इतनी बात सभी को ओके आगे बात करते हैं ठीक है सर अच्छी बात है आगे बात करते हैं जैपनीज क्वींस आर एट नंबर फोर्थ स्पॉट यानी कि जापान के व्यंजन चौथी पोजीशन पर है तो नंबर वन इटली नंबर सेकंड ग्रीस नंबर थर्ड स्पेन नंबर फोर्थ जापान और नंबर फिफ्थ इंडिया ये हो गए टॉप फाइव द रैंकिंग इज बेस्ड ऑन वोट्स बाय द ऑडियंस फॉर इमिग्रेंट्स डिस एंड ब्रीवरेजेस ठीक है uh, दुनिया भर के पेय पदार्थ व्यंजन दर्शकों के द्वारा जो भी वोट है उस पर आधारित है इंडिया को यहां पर मिला है फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट भारत का स्कोर रहा है जिसके हिसाब से भारत फिफ्थ पोजीशन पर आपका यहां पर रहा क्लियर है ओके एज पर दस अवार्ड टू थाउजेंड 2022 रिजल्ट्स कंपनी का नाम अवार्ड्स का नाम टेस्ट एटलस अवार्ड्स 2022 बेस्ट रेटेड फूड्स इन इंडिया आर गरम मसाला ठीक है भारत में अगर बेस्ट रेटेड कुजींस में इस्तेमाल होने वाला जो मसाला है बेसिकली गरम मसाला उसको सबसे ज़्यादा uh, लोगों ने बेस्ट रेटेड कहा देन घी आता है मलाई है बटर गार्लिक नान है एंड uh, कीमा है अमंग दी मोर देन 400 हंड्रेड आइटम्स तो जो चार सौ आइटम्स हैं उसमें से टॉप आइटम्स uh, यही आपके यहाँ पर बनते हैं ठीक है आगे बात करते हैं इसके अलावा इन द लिस्ट द बेस्ट रेस्टोरेंट टू ट्राई इंडियन आर श्री ठाकर भोजनालय मुंबई सेकेंड वन इज करावली बेंगलोर तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा आपके शहर में है और क्या आपके शहर का कोई रेस्टोरेंट इस लिस्ट में आता है क्योंकि अगर आता है तो आई नो कि अगर आप फूडी हैं और अगर आप टेस्ट के आ, मतलब नया नया टेस्ट या बेहतर टेस्ट के आप खोजी हैं तो आप बेसिकली इन रेस्टोरेंट में जरूर जाना चाहेंगे तो श्री ठाकर भोजनालय टॉप करता है भारत में अगर हम यहाँ पर बात करें ये मुंबई में है सेकंड नंबर पोजीशन पर आता है करावली रेस्टोरेंट बेंगलोर बुखारा रेस्टोरेंट इन न्यू डेली दमपक्स नई दिल्ली कमोरिन गुरुग्राम और चार से भी ज्यादा ऐसी लोकेशंस हैं लेकिन उन चार सौ लोकेशंस में से ये आपकी टॉप लोकेशंस यहाँ पर बनती हैं क्लियर है सभी को ओके okay. आगे बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन अभी ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ दिसंबर को पूरे हिंदुस्तान ने यहां पर सेलिब्रेट किया और इसे हमारे देश में गुड गवर्नेंस डे के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है सुशासन दिवस हिंदी में अगर हम कहें तो उस नाम से मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी भारत के सबसे पसंदीदा और लोगों के बीच चर्चित प्रधानमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं अपनी ईमानदारी अपने भाषणों के लिए अपनी स्पीचेस के लिए भी उनको यहां पर जाना जाता है ठीक है आपातकाल के समय जब इमरजेंसी पीरियड आपका लागू था तो जनता पार्टी और दूसरे बड़ी बड़ी पार्टी के लीडर्स को भी इंदिरा गांधी के टाइम पर जेल में रखा गया था ताकि विद्रोह ना भड़काया जाए और इमरजेंसी के खिलाफ वहां पर विद्रोह देखने को ना मिले लेकिन जब एक बार आपातकाल खत्म हो गया इमरजेंसी हट गई अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे बड़े बड़े नेताओं को छोड़ दिया गया उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान में जब पहली रैली हुई क्योंकि उसके बाद आम चुनाव की घोषणा हुई थी और रैली में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार पब्लिक से रूबरू होने जनता से रूबरू होने पहुंचे तो बारिश का समय मतलब बेमौसम बारिश हो रही थी और उस समय वहाँ पर रैली थी और उस रैली में बेसिकली काफ़ी सारे नेताओं ने अपने अपने भाषण यहाँ पर देते हैं लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अंत तक वहां पर बैठे रहते हैं आई थिंक शायद कवि सम्मेलन था या रैली थी जहां पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हिस्सा लिया था क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी दिल से कवि भी थे और कवि सम्मेलनों में भी पार्टिसिपेट किया करते थे तो उनके दो लाइनों ने कहा जाता है कि कैसे एक लीडर कैसे एक नेता लोगों का दिल जीतता है उसकी वो बेस्ट एग्जाम्पल वहां पर बनता है कि बारिश होने के बावजूद भी जनता वहां बैठी रही क्यों क्योंकि एक व्यक्ति ने जब दूसरे व्यक्ति से पूछा पब्लिक में कि लोग जा क्यों नहीं रहे हैं बारिश हो रही है और लोग फिर भी बैठे हुए हैं तो उसने कहा क्योंकि अभी अटल जी का बोलना बाकी है अटल जी आए तो लोगों ने तालियों से उनका स्वागत किया शुरुआत उन्होंने ऐसे की बस दो लाइनों की कि आ, मुझे एग्जैक्टली exactly तो दो लाइनें याद नहीं आ रही हैं क्योंकि आपातकाल का दौर था उस दौरान सभी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया था जेल में आ, पहली लाइन मुझे याद नहीं आ रही है बट लाइन कुछ इस प्रकार थी कि आ, शुरुआत तो मुझे अभी बिल्कुल एक, एक्जैक्टली याद नहीं आ रही लेकिन दूसरी लाइन उसकी ऐसी थी कि कहने सुनने को हैं बहुत से अफसाने अगर आप में से किसी को याद हो तो मुझे रिमाइंड जरूर कराइएगा ठीक है आपातकाल के बाद की बात है याद रखिएगा कि कहने सुनने को हैं बहुत से अफसाने पहली लाइन छोड़ दीजिएगा कहने सुनने को हैं बहुत से अफसाने जरा खुली हवा में सांस तो ले लें ठीक है जरा खुली हवा में सांस तो ले लें आ, कब तक रहे आजादी कौन जाने मतलब ये बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि आपातकाल के, के दौरान नजरबंद किए गए नेता थे जनता से रूबरू हुए नहीं तो आ, पहली लाइन कुछ इस प्रकार आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या थी दूसरी लाइन यहीं से शुरू हो जाती है जिससे आप समझ सकते हैं कि वो आखिर कहना क्या चाह रहे थे पब्लिक को बोलना क्या चाह रहे थे कि कहने सुनने को हैं बहुत से अफसाने जरा खुली हवा में सांस तो ले लें कब तक रहे आजादी कौन जाने यानी कि फिर से कहीं आपातकाल आपका यहां पर ये ना लग जाए ठीक है तो पहली लाइन में भूल गया हूं ठीक है तो मुझे माफ कीजिएगा भुला दीजिएगा मतलब ओके चलो तो शुरुआत करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक तारे का नामकरण यहां पर कर दिया गया है तारे का नाम उनके नाम पर यहां पर रखा गया है सुनते हैं स्टार नेम्ड आफ्टर द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक तारे का नामकरण यहां पर किया गया है इंपॉर्टेंट बनेगा द बीजेपी यूनिट ऑफ औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टज नेम्ड स्टार आफ्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की यूनिट जो बीजेपी यूनिट है उन्होंने इनके नाम पर तारे का नामकरण करने की घोषणा यहां पर की है द डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ ये आपकी है करीब करीब तीन सौ बानवे लाइट ईयर्स है ना लाइट एक साल में जितना ट्रेवल करती है प्रकाश एक साल में जितना ट्रेवल करता है उसे वन लाइट ईयर कहते हैं तो यह है थ्री नाइनटी टू लाइट ईयर्स ये दूर है स्टार हमारी पृथ्वी से इट इज द नियरेस्ट स्टार सन ये आ, सबसे करीबी सूर्य के सबसे करीब और निकट का तारा आपका यहां पर बनता है जिनके नाम पर नामकरण आपका यहां पर किया गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर इस तारे को आपका यहां पर जाना जाएगा ठीक है जिस स्टार को आप यहां पर तस्वीरों में देख सकते हैं ये सन है आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सन है और सन के पास यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है ये है आपका वो अटल बिहारी वाजपेयी जी स्टार जो सन के काफी करीब आपको यहां पर देखने को मिलेगा ठीक है इमेज में आप यहां पर देख सकते हैं द स्टार विद कोऑर्डिनेट्स ये इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जिसको हमें याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है ठीक है इन कोऑर्डिनेट्स पर मौजूद है ये स्टार हैज बीन रजिस्टर्ड विद द इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ऑन ट्वेंटी ऑफ दिसंबर 2022 तो इस कोऑर्डिनेट में मौजूद ये स्टार अब यहां पर इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री में 25 दिसंबर को आपका यहां पर लिस्ट हो चुका है द नेम ऑफ द स्टार इज अटल बिहारी वाजपेयी एग्जैक्टली नाम क्या है तो एग्जैक्टली exactly नाम आपका है अटल बिहारी वाजपेयी बात समझ में आ गई अटल बिहारी वाजपेयी यही तारीख का नाम यहां पर बनेगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर देश की सेवा की से लेकर फर्स्ट टाइम अगर बात करूं तो 14 मई 1996 से लेकर फर्स्ट जून 1996 लगभग 13 दिनों की सरकार यहां पर थी एंड अगेन फिर मार्च 19 से लेकर अंठानवे से लेकर सन 2004 तक वो देश के प्रधानमंत्री यहां पर बने इसी दौरान कारगिल युद्ध भी देश ने यहां पर झेला और पाकिस्तान पर विजय यहां पर हासिल की उन्होंने यहां पर मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स विदेश मामलों के मंत्री के तौर पर सत्तर से लेकर यानी कि 1977 से लेकर नाइनटीन तक उस समय हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई उनकी कैबिनेट में विदेश मंत्री का आ, काम भी यहां पर किया था अपनी सेवा यहां पर दी थी मोरारजी देसाई की अगर

कार्यकाल में वो विदेश मंत्री भी रहे वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर की तारीख को हुआ था 1924 1924 में कहां ग्वालियर सिटी में जहां तानसेन का जन्म हुआ था एंड दिस डे सेलिब्रेटेड एज द गुड गवर्नेंस डे और सरकार ने इस डे को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर यहां पर सेलिब्रेट करने का निर्णय यहां पर लिया था 2004 के 2014 के बाद जब बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में आपकी यहां पर आई थी हाँ दो बार ऐसा भी था विवेक ने हमें याद दिलाया इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मोरारजी देसाई ने दो बार बजट अपने जन्मदिन पर ही पेश किया था मोरारजी देसाई जी का जन्मदिन उनतीस फरवरी को पड़ता था और 1964 और 1968 ये दो ऐसे लीप ईयर थे जब वो देश के वित्त मंत्री थे और उन्होंने बजट पेश किया था तो अपने बर्थडे के दिन उनका आ, आ, उन्होंने आ, बजट को आपका यहां पर पेश किया यूट्यूब आप दिन भर यूज करते हैं अच्छी बात है यूट्यूब का हम सकारात्मक इस्तेमाल करते हैं यूट्यूब भारत की जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि अब हर व्यक्ति के पास मोबाइल फोन है वो यूट्यूब को यूज कर सकता है और आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते ही इस सेशन को भी आप लोग यहां पर वॉचआउट कर रहे हैं तो यूट्यूब भारत की जी में भी काफी अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूट यहां पर कर रहा है तो इसके कुछ आंकड़े हमारे सामने हैं जिस पर डिस्कशन हम आप सभी के साथ यहाँ पर करेंगे यूट्यूब इको सिस्टम का जो ओवरऑल इको

उन जॉब्स को भी यहाँ पर भाई हज़ार करोड़ रुपए का जो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है इससे करीब करीब फुल टाइम साढ़े सात लोगों को बेसिकली जॉब्स भी यहाँ पर मिलती हैं बात समझ में आ रही है क्लियर है आगे बात करते हैं इन In इंडिया भारत में ओवर फोर्टी फाइव हंड्रेड चैनल्स हैड ओवर टेन लैक सब्सक्राइबर भारत में ऐसे पैंतालीस यूट्यूब चैनल्स हैं जिन पर सब्सक्राइबर्स की संख्या दस लाख ,00 से ज़्यादा है वन मिलियन ,00 से ज़्यादा है एंड द नंबर ऑफ़ यूट्यूब चैनल्स इन इंडिया मेकिंग वन लाख और मोर इन देयर एनुअल रेवेन्यू इंक्रीज बाय ओवर सिक्सटी परसेंट ईयर और ईयर ओवर ईयर इन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ये यूट्यूब की इम्पैक्ट रिपोर्ट यहाँ पर कहती है कि भारत में अगर हम चैनल्स की बात करें तो एक लाख रुपये और उससे ज़्यादा एनुअल रेवेन्यू कमाने वाले YouTube चैनल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यहां पर बढ़ोतरी 60 परसेंट यहां पर दर्ज की गई है 20, 21 में ओके okay. अच्छा YouTube की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी ईयर में हुई थी फटाफट से लिखकर बताएगा YouTube अब Google का एक प्रोडक्ट है तो बेसिकली मुझे बताएगा कि YouTube की शुरुआत किस ईयर में हुई थी फटाफट से वो ईयर मुझे यहां पर लिखकर बताएगा सिंपल सा क्वेश्चन नेक्स्ट Over 6,000 birds culled in Kerala's केरलास after bird flu outbreak. आउटब्रेक तो yahan यहाँ पर पिछले दिनों केरल के कोट्टायम में bird flu से प्रभावित करीब 6,000 birds बर्ड्स को यहाँ पर हटाना पड़ा आ, मारना पड़ा बेसिकली क्योंकि वो बर्ड फ्लू से प्रभावित थी 2005 में वेरी गुड एवरी इसको जानते हैं डिटेल में लोकेशन है कोटायम कोरला हैज़ बीन सिवियरली अफेक्टेड बाई दी आउटब्रेक ऑफ बर्ड फ्लू ओवर द लास्ट फ्यू डेज पिछले कुछ दिनों में अगर हम यहाँ बर्ड फ्लू आउटब्रेक की बात करें तो काफ़ी तेजी से यहाँ पर फैला है जिसकी वजह से बर्ड्स को वहाँ पर हटाना पड़ा मोर देन सिक्स थाउजेंड बर्ड्स छः हज़ार से भी ज़्यादा बर्ड्स की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें उनको वहाँ पर मारा गया है सिक्स थाउजेंड बर्ड्स वीअर कल्ड इन दियर इन थ्री सेपरेट पंचायत अलग अलग तीन पंचायतों में छः हज़ार से ज़्यादा चिड़ियों को मारा गया इन केरलास् कोटाइम डिस्ट्रिक्ट वेयर अ बर्ड फ्लू आउटब्रेक हैज़ बीन कन्फर्म तो वहाँ पर मारना इसलिए पड़ा ताकि ये बर्ड फ्लू आउटब्रेक आपका ना फैले हर साल जनवरी या यू कहें कि विंटर सीजन आने से पहले या विंटर सीजन में यहाँ पर ये आउटब्रेक फैलता है और आंकड़े सामने आते हैं और ऐसी खबरें सामने आती हैं एज पर ऑफिशियल डेटा अराउंड वन हंड्रेड एंड थर्टी थ्री डक्स करीब एक सौ तैंतीस डक्स को बतकों को एक सौ छप्पन यहाँ पर मुर्गियाँ ठीक है और Uh, 2753 डक्स इन नीलंडूर 2975 डक्स यहां पर अरपुकारा uh, में आपकी यहां पर मारी गई हैं मारने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बेसिकली ये दूसरे पक्षियों में ये फ्लू ना फैले तो उसका कोई ऑप्शन बचता नहीं है तो एक गड्ढा खोद के uh, मारे गए पक्षियों को वहां पर दफना दिया जाता है ताकि वो ना फैले इन in इंडिया भारत में बर्ड फ्लू और एवियन इन्फ्लुएंजा ठीक है याद रखिएगा इसे एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी जाना जाता है जूनोटिक डिजीज़ जूनोटिक डिजीज़ बेसिकली जो पक्षियों या जानवरों से फैलने वाला बेसिकली रोग है इज स्प्रेड मेनली बाय माइग्रेटरी बर्ड ये जो फैलता है वो माइग्रेटरी बर्ड से आता है माइग्रेटरी बर्ड्स ऐसी चिड़ियों को कहेंगे ऐसी बर्ड्स को कहेंगे जो दूसरे देश से हमारे देश में कुछ वक्त के लिए आती हैं और फिर चली जाती हैं तो बेसिकली ये माइग्रेटरी बर्ड्स की वजह से फैलता है ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कि कोरोना इंडिया में था नहीं लेकिन हमने देखा कि इन स्टार्टिंग शुरुआत में चाइना से लोग इंडिया आए होंगे और धीरे धीरे जो बाहर से लोग आए वहाँ से कोरोना आया तो ऐसा ही होता है चाहे फिर बर्ड्स हो चाहे फिर वो कोरोना हो बात समझ में आई कमिंग इन टू द कंट्री ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स बिटवीन द सितंबर टू मार्च सितंबर से मार्च के बीच में जो ये पूरा का पूरा विंटर सीजन आपका होता है इस दौरान जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं उनकी वजह से बर्ड फ्लू यहाँ पर फैलता है बर्ड फ्लू जानलेवा नहीं है लेकिन चाइना में एक दो मामलों में ये जानलेवा भी साबित हुआ है लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा जानलेवा आपका साबित नहीं है लेकिन फिर भी एहतियात बरतने की बात की जाती है मीट वग़ैरह जो है नॉनवेज वगैरह उसे प्रॉपर पकाने के बाद ही ईट करें बॉयल एग्स या एग्स वगैरह हैं इनको प्रॉपरली पकाने के बाद ही यूज़ करना चाहिए नेक्स्ट न्यूज़ डिफेंस इंडिया और जापान यहां पर कंडक्ट कर रहे हैं एयर एक्सरसाइज जिसका नाम है वीर गार्जियन 23 ठीक है वीर गार्जियन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ईयर है याद रखिएगा

म्ड वीर गार्जियन ट्वेंटी एक्सरसाइज का नाम वीर गार्जियन ट्वेंटी होगा जो कि जनवरी 16 से 26 के बीच में आपके यहां पर कंडक्ट की जाएगी आगे बात करते हैं जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स विल कंडक्ट अ अट्रल फाइटर ट्रेनिंग विद इंडियन एयरफोर्स तो जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स भारत की भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर ट्रेनिंग को यहां पर कंडक्ट करेगी द एक्सरसाइज एम्स एट प्रोमोटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रेंथिंग डिफेंस कोऑपरेशन तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में आपसी समझ और बेसिकली डिफेंस कोऑपरेशन यानी कि जो रक्षा सहयोग है उसको बढ़ावा देना इस एक्सरसाइज का मेन एम है इंडियन एयरफोर्स बी फील्डिंग इट्स रशियन इंडियन थर्टी एम के आई एयरक्राफ्ट तो यहां पर सुखोई थर्टी एम के आई एयरक्राफ्ट इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करिएगा इंडिया की तरफ से फ्रॉम अ स्क्वाड्रन अंडर द वेस्टर्न एयर कमांड इंडियन एयरफोर्स वन फिफ्टी क्रू विल बी फ्लाइंग इन इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सी सेवनटीन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट जो कि दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट में से एक है यह भी इसमें आपका यहां पर हिस्सा लेगा आगे बात करते हैं Hyundai, कार कंपनी है आप सभी ने देखा ही होगा इनकी कारें भी आप सभी ने देखी होंगी हुई की कारें ओके बिकम्स द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेकर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमेकर कंपनी यहां पर बनी है होंडाई ठीक है वीडियो को ध्यान से देखिएगा जहां पर इनके प्रोडक्शन और इनकी प्रोडक्शन लाइन की कुछ वीडियोस आप सभी के सामने कि किस तरीके से ऑटोमेटिक मोड में यहाँ पर कारों का निर्माण होता है और इंजीनियर्स किस तरीके से इसे असेंबल यहाँ पर कर रहे हैं किस तरीके से कारों का ढांचा यहाँ पर तैयार किया जाता है तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम होंडाई कंपनी की बात करें सबसे पहले तो ये याद रखना है कि होंडाई कंपनी किस देश की कार कंपनी आपकी यहाँ पर बनती है तो ये कोरियन ऑटोमेकर कंपनी है या कोरिया कंट्री से आपकी यहाँ पर यह बिलोंग करती है बात करें होंडाई की वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी कार चुकी है, volume. Volume का मतलब पर ये है कि जितनी बड़ी मात्रा में कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बना रहे हैं उस आधार पर साउथ कोरिया की हाँ साउथ कोरिया की कार कंपनी है टोयोटा इसका नाम भी आपने सुना होगा टोयोटा कंपनी दुनिया में वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑटोमेकर कंपनी है तो नंबर वन पोजीशन पर टोयोटा है उसके बाद फॉक्स वैगन आती है आपकी सेकंड पोजीशन पर और सेकंड पोजीशन के बाद थर्ड पोजीशन पर आ जाएगी आपकी होंडाई साउथ कोरियन ब्रांड हैज मैनेज टू बीट लाइक इन्होंने बहुत सारी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है जैसे कि जनरल मोटर्स इस कंपनी को भी पीछे छोड़ दिया है वॉल्यूम के हिसाब से स्टेलेंटिस ये कंपनी भी है फर्स्ट टाइम सिंस इट वाज़ फाउंडेड इन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर 1967 अगर हुंडई कंपनी की बात करें साउथ कोरियन कंपनी अपनी स्थापना के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि जनरल मोटर्स जैसी कंपनियों को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है ऑटोमेक करने की या कारें बनाने के वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर बात करें होंडाई

Uh, जल्द ही इनका एम है इनका गोल है कि वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर यहां पर बने फोर्ड को बीट करके अमेरिका में अमेरिका की बात हो रही है करंटली टेस्ला इज द टॉप सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर इन अमेरिका अमेरिका में अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचती है टेस्ला उसके बाद आती है आपकी फोर्ड देन इनका टारगेट है होंडाई का कि वो फोर्ड को बीट करे और सेकंड रैंक हासिल करे अमेरिका में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर हम बात करें उसके हिसाब से क्लियर है सभी को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज नेपाल के प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी जी ने यहां पर पुष्प कमल दहल प्रचंड इनका पूरा नाम है इन्हें नया प्राइम मिनिस्टर यहां पर अपॉइंट किया है नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी ठीक है और एक याद रखिएगा विद्या देवी भंडारी जी ने यहां पर जो मोइस्ट सेंटर लीडर हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है हिमालयन नेशन का यानी कि इस देश का याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और ऐड कर लीजिएगा कि ये जो लोकेशन है दादेल धुरा, दादेल धुरा धुरा ये बेसिकली पुष्प कमल दहल प्रचंड जी की कॉन्स्टिट्युएंसी है ये थोड़ा दिमाग में रखिएगा दादेल धुरा किसकी कॉन्स्टिट्युएंसी है ये पुष्प कमल दहल प्रचंड जी की कॉन्स्टिट्युएंसी है जहां से वो सातवीं बार आपके यहां पर जीते हैं तो कॉन्स्टिट्युएंसी पुष्प कमल दहल प्रचंड साहब की है दादेल धोरा तो थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा या याद रखिएगा आगे ओके दहेल वाज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर फॉर द थर्ड टाइम आफ्टर ही सिक्योर द सपोर्ट ऑफ द 169 मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आ, नई गवर्नमेंट बनाने के लिए 169 सिक्सटी नाइन मेंबर्स की पार्लियामेंट का सपोर्ट उन्हें यहां पर मिला है नेपाल की अगर हम बात यहां पर करें तो लेटेस्टली प्राइम मिनिस्टर बने हैं यही आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है नेपाल की बात करें तो नेपाल जो कंट्री है 850 किलोमीटर की बाउंड्री पांच भारतीय राज्यों से कनेक्ट करता है सिक्किम के साथ वेस्ट बंगाल के साथ बिहार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ नेपाल की आठ किलोमीटर की बाउंड्री यहां पर शेयर होती है नेपाल की बात करें वहां पर जैसे हमारे हिंदुस्तान में राज्य होते हैं यानी कि हिंदुस्तान राज्य में डिवाइडेड है उसी तरह नेपाल प्रोविंसेस यानी कि प्रांतों में डिवाइडेड है और नेपाल में टोटल पाँच प्रांत आपके यहाँ पर बनते हैं राजधानी काठमांडू बनेगी करेंसी नेपाली रुपयी आप आपकी या नेपाली रुपया आपकी यहाँ पर बनेगी यहाँ पर पॉपुलेशन की परसेंटेज की बात करें तो सबसे बड़ी हिंदू पॉपुलेशन आपकी नेपाल में रहती है एक नेपाल की टोटल आबादी के इक्यासी परसेंट लोग आपके यहाँ पर हिंदू हैं नेपाल के झंडे के शेप की बात करें तो नेपाल के झंडे का शेप कुछ इस प्रकार आपके यहाँ पर बनता है ये झंडा है कुछ इस तरीके का जो कि अपने आप में यूनिक है दुनिया में ऐसा कोई भी नेशनल फ्लैग नहीं है जो इस तरीके का आपका यहां पर बनता हो तो ये भी आप लोग याद रखिएगा ठीक है चलिए आगे बात करते हैं ओके तो समय को यहाँ पर देखते हुए जल्दी से फटाफट से इसको रिकैप भी कर लो नेपाल पिछले छह महीनों में किन किन चीज़ों को लेकर चर्चा में रहा है तो नवंबर 2022 में अगर नेपाल की बात करें तो हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को इन्होंने इनवाइट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ नेपाल ने कि भाई आइए और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पर आइए और हमारे देश के चुनाव पर नजर रखिए तो उसके लिए हमारे देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर गए हुए थे सितंबर दो में सैफ अंडर सेवनटीन चैंपियनशिप टाइटल जीतने के लिए नेपाल इंडिया ने नेपाल को चार जीरो से हराया था और सैफ अंडर सेवनटीन चैंपियनशिप आपके यहाँ पर जीते थी फरवरी 2022 में बात करें तो नेपाल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू कोड को स्कैन करके तो ने टेक्नोलॉजी दो हम भी अपने देश में सिस्टम लाना चाहते हैं तो नेपाल सबसे पहला ऐसा देश बना जो हिंदुस्तान का यूपीआई सिस्टम लेना चाहता था तो ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा या दिया है दो ये वाली न्यूज हम लोग कल यहां पर डिस्कस करेंगे कि डेली मेट्रो

तो सभी लोग सेशन को यहां पर लाइक कर दीजिएगा डू लाइक द सेशन जाने से पहले सभी ईच एंड एवरी स्टूडेंट फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे और होमवर्क का आंसर जरूर करेंगे ठीक है क्लियर है थर्सडे और फ्राइडे जीके टॉन्डेडो सेशन याद रखेगा कल सुबह डेली बेसिस पर आठ बजे फिर से आपका सेशन होगा और अभी नौ बजे जो सेशन होगा वो प्रबल सर का होगा मैथ्स के लिए तो वो सेशन भी आपको ज्वाइन करना है एमबाई वैप विजिट कीजिए डिजिटल कॉन्टेंट ऑनलाइन कॉन्टेंट का लाभ उठाइए और बहुत सारी बुक्स हैं क्वेज हैं प्रैक्टिस कर सकते हो बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं तो लाभ उठाइए टेलीग्राम चैनल की लिंक कमेंट सेक्शन में है क्लिक कीजिए ज्वाइन कीजिए सेशंस की लिंक और पीडीएफ की अपडेट मिल जाएगी आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच एवरी कल फिर मिलेंगे सुबह आठ बजे थैंक यू एन बाई बिलीव इन यू